तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 7th 8th की वर्कशीट जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली SIB वर्कशीट है। क्लास 7th और 8th दोनों क्लास के लिए एक ही वर्कशीट आई हुई है। ये जेनरिक वर्कशीट G15 है। G15 मतलब जेनरिक, ठीक है। डेट 23/7/2021। सबसे पहले तो नेम ऑफ स्टूडेंट भर देना, उसके बाद नेम ऑफ क्लास टीचर, ठीक है। ये एकदम सही से भर लेना क्योंकि बच्चों को पता क्या चलेगा कि आपने किया। शुरू करते सबसे पहले इसके अंदर मदर डैडी की फ़ोटो दिखाई दे रही है ना। ये देखो मदर डैडी, इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसी से आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसी के अंदर आंसर देख लो ध्यान से एक बार, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से देखना, मिलेगा फिर आपको यहीं से एक आंसर। तो शुरू करते हैं। टुडे आई वेंट टू द पार्क विद ग्रैंडपा इन द इवनिंग। आज मैं अपने ग्रैंडपा के साथ पार्क में गया शाम में। वाइल रिटर्निंग अबाउट 2 लीटर ऑफ मिल्क, वाइल रिटर्निंग अबाउट 2 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द मदर डैडी बूथ। आते समय वहाँ से हमने 2 लीटर दूध लिया मदर डैडी बूथ से। मदर डैडी बूथ तो पता ही होगा ना, जहाँ पे दूध मिलता है, ठीक है। ग्रैंडफादर शोड मी द बोर्ड एट द बूथ एंड गेव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन मिल्क। ग्रैंडफादर ने मुझे बोर्ड दिखाया और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया जो मिल्क के अंदर होते हैं। आपको भी पता ही होगा कि बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होता है। हमारे घर वाले भी कहते हैं दूध पियो, ये होगा ये होगा, इसीलिए कहते हैं। और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब मुझसे नहीं, इसमें जो लड़का है उससे, क्या तुम बता सकते हो इन क्वेश्चन के आंसर इसमें लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे। टेल अस समथिंग अबाउट दैट, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। ये हमारा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग आवर बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। अब इसमें बोला क्या कि उस ओपनिंग आवर और इवनिंग आवर में कितना, मतलब बंद कितने देर रहता है ये, शाम में जब बंद होता है और सुबह जब खुलता है तो कितने देर बंद रहता है, तो हमें ये पता लगाना है। तो मैंने कहा था यहाँ पे टाइमिंग देख लो सही से, इसी के अंदर है आवाज़। ये देखो टाइमिंग दिखा, इसमें क्या दिख रहा है कि मॉर्निंग में 5:30 से 1 बजे तक खुला रहता है, तो 1 बजे से, और फिर इवनिंग में 4 से 10 बजे तक। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है ये। तो हमें ये फिर गिन लेना चाहिए कि बंद कितने देर रहता है, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये 3 घंटा हो गया। ये देखो 5:30 बजे खुलता है, 1 बजे जुड़ता है, फिर बंद हो जाता है, 4 बजे खुलता है, 10 बजे बंद होता है। तो बंद कितने देर रहा बीच में, 1 घंटे से 4 घंटे माइनस कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर 3, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, आराम से देखें यहाँ पर पहले 3 लिख देते हैं और नीचे पढ़ते हैं, हम लिखते हैं कैसे होगा। 3 आवर्स, 3 आवर्स बंद था ना, समझ जाओ। इतना नहीं समझ आया तो फिर से पीछे करके देख लो वीडियो, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम डिफरेंस इज इक्वल टू सीधा 3 आवर लिख दो, सबसे सिंपल बड़ा आंसर बना के फ़ायदा ही किया। स्पेलिंग में बता देता हूँ, DIFFERENCE डिफरेंस इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 आवर्स, ठीक है, HOURS। तो हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई इज मिल्क यूजफुल फॉर आवर बॉडी। मिल्क हमारे शरीर के लिए यूजफुल क्यों है, हमारी मम्मियाँ क्यों बोलती हैं हमें दूध पीने के लिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो हम देखते हैं, ये दे तो रखा है लेकिन दूध पीना पसंद ही किसको है। हमें तो पिज्ज़ा खाना पसंद है, तुमको पसंद है तो कमेंट में बताओ। तो क्यों हमें हमें खाना चाहिए, उसमें क्या न्यूट्रिएंट होता है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसी के लिए इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ अ पैक्ड विद इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, बी विटामिन, पोटेशियम, विटामिन डी प्लस, इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। मतलब इसके पैकेट में न्यूट्रिएंट बहुत सारे होते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी, पोटेशियम, विटामिन डी प्लस, इसके अंदर ये प्रोटीन भी बहुत होता है। तो ये सबसे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन के लिए, इसलिए हमारे घर वाले हमें जिद करते हैं।
ऐसे मानो तभी पियो, वरना कुछ और खा लो, थोड़ा ज़्यादा खा लेना, इसके बराबर थोड़ी जाएगा। ठीक है, ये अपने कॉपी में कर लेना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द थिंग अदर देन मिल्क अवेलेबल ऑन मदर डेयरी। ऐसे थिंग्स मतलब ऐसी क्या चीज़ें मिलती है मदर डेयरी में दूध के अलावा। तो आप गए होगे मदर डेयरी बूथ तो पता होगा कि वहाँ पे दही पनीर ये सब भी मिलता है। नहीं गए तो मैं बता देता हूँ, मैं भी नहीं गया लेकिन बता देता हूँ इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे दही भी मिलता है, लस्सी भी मिलता है, लस्सी लिख देते हैं, फिर दही मिलता है, और क्या क्या मिलता है, और घी मिलता है, मतलब दूध से बनने वाली ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं, रस मिलता है चाय के साथ खाने के लिए, दूध तो ले गए रस भी ले जाओ, ब्रेड भी मिलता है, नहीं हमें तो रात की गर्म रोटी मिल जाती है उसके साथ खाने के लिए, ये तो कभी कभार होता है, और एक्सेट्रा और भी कई चीज़ें मिलती हैं, बताना ज़रूरी थोड़ी है, इतना ही बता दिया बहुत है। चलो फिर अगला क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट आइटम मेड फ्रॉम मिल्क। तुम्हारे फेवरेट आइटम का नाम बताओ जो मिल्क से बनता है। तो मिल्क से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे मिठाई भी कई सारे मिल्क से बनती है, और दही पनीर। तो तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो भाई मेरे को तो सब कुछ पसंद है। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले लिख देते हैं मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, रसगुल्ला, ये भी दूध से बनता है ना, और पनीर, पनीर की सब्ज़ी तो बढ़िया लगती है यार, और हाँ लस्सी, इसका लस्सी पीते ही बस नसें सी चढ़ जाती है, और क्या मिलता है, और जो भी मिलता है हमें यही पसंद है। ठीक है, ये था हमारे में, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इतना इधर वीडियो में, बाय, टाटा।